नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणामों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस जिले में कितने ब्लॉक प्रमुख बने हैं किस पार्टी से। तो ऐसे में आप देखते रहिए कि कहां से कौन जीता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं कानपुर से। कानपुर में 6 ब्लॉक में चुनाव हुए, जहां पर 3 पर बीजेपी और 3 पर एसपी जीती है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में 16 ब्लॉक पर मतदान हुए और यहां पर बीजेपी 11 पर, समाजवादी पार्टी 4 पर और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में कुल 11 सीट है, ऐसे में बीजेपी 9 पर, वही कांग्रेस और एसपी का यहां पर खाता नहीं खुला है। बसपा 1 ब्लॉक में और अदर का 1 ब्लॉक प्रमुख बना है। फतेहपुर के ब्लॉक की बात करें तो यहां पर कुल 13 ब्लॉक है, जिसमें से बीजेपी 12 ब्लॉक में और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी 1 ब्लॉक में जीती है। पीलीभीत की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। पीलीभीत की 7 सीटों में से बीजेपी 5 पर और अदर 2 पर जीती है। वहीं जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में कुल 21 ब्लॉक है, यहां पर बीजेपी 14 ब्लॉक में, वही समाजवादी पार्टी 3 में, अदर 4 ब्लॉक में जीते हैं। बीएसपी और कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। संबल की बात करें तो यहां पर कुल 6 ब्लॉक है, जिसमें से बीजेपी 3 पर और एसपी 3 पर जीती है। वहीं महाराजगंज के कुल 12 ब्लॉक की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 10 पर बाजी मार गई है, वहीं समाजवादी पार्टी और अदर का 1-1 ब्लॉक प्रमुख बना है और यहां पर भी वही कांग्रेस और बीएसपी का खाता नहीं खुला है। अमेठी की बात करें तो यहां पर कुल 13 ब्लॉक है, जिसमें से बीजेपी 5 पर, वही अन्य 5 पर और एसपी 2 और कांग्रेस 1, और यहां पर बीएसपी का खाता नहीं खुला है। लेकिन यहां पर कांग्रेस खाता खोलने में जरूर सक्षम रही और 13 ब्लॉक में से 1 ब्लॉक जीतने में सक्षम रही है। मिर्जापुर की बात करें तो यहां पर कुल 12 ब्लॉक है और यहां पर भी बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का। बीजेपी ने यहां पर कुल 9 ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, वही अदर 3। इसके साथ ही अगर बहराइच की बात करें तो यहां पर कुल 14 ब्लॉक है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 13 पर, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी यहां पर भी वही 0-0-0 और अदर के खाते में 1 ब्लॉक प्रमुख गया है। वही ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में 6 ब्लॉक है, जिसमें से सारे के सारे 6 के 6 ब्लॉक बीजेपी के खाते में चले गए और ललितपुर के सारे 6 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बन चुके हैं। एसपी, कांग्रेस और अदर का और बीएसपी का खाता यहां पर नहीं खुला है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में कुल 19 ब्लॉक है, जिसमें से बीजेपी 15 पर, एसपी 3 पर, अदर 1 पर जीती है। अब अगर आगे हम अयोध्या की बात करें तो यहां पर कुल 11 ब्लॉक है, जिसमें से बीजेपी 9 पर, अदर 1 पर और एसपी 1 पर जीती है। बुलंदशहर के 16 ब्लॉक की अगर बात करें तो बीजेपी 10 पर, एसपी 2 पर, अदर 3 पर और बीएसपी 1 पर जीती है। देवरिया में कुल 16 ब्लॉक है, जिसमें से बीजेपी 12 ब्लॉक में जीत गई है, वहीं एसपी 2 और अदर भी 2 ब्लॉक में जीते हैं। वहीं मथुरा की बात करें तो यहां पर कुल 10 ब्लॉक है, जिसमें से अदर 5 पर बाजी मार गए, बीएसपी 1 और बीजेपी 4 ब्लॉक में जीती है।
फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में कुल 6 ब्लॉक है, यहाँ पर बीजेपी 5 पर अदर 1 ब्लॉक में जीती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 8 पर और कांग्रेस 1 पर जीती है। झांसी की बात करें तो झांसी में कुल 6 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 4 पर, एसपी 1 पर, अदर 1 पर जीती है। कन्नौज की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर कुल 8 ब्लॉक है और 8 के 8 ब्लॉक बीजेपी के खाते में गए हैं। औरैया की बात कर ले तो औरैया में कुल 7 ब्लॉक है जिसमें से 5 में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख बने हैं, एसपी और अदर का एक एक ब्लॉक प्रमुख बना है। बदायूं के अंदर कुल 15 ब्लॉक है, इसमें से सारे के सारे बीजेपी जीत गई है, यानी कि 15 ब्लॉक और 15 के 15 ब्लॉक बीजेपी जीत चुकी है। वही अगर शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 15 ब्लॉक है और यहाँ पर भी बदायूं वाली दास्ता दोहराई गई, यानी कि 15 के 15 ब्लॉक शाहजहांपुर में भी भाजपा के खाते में चले गए। वहीं अगर बरेली की बात करें तो बरेली में भी 15 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 11 पर, एसपी 3 पर, अदर 1 ब्लॉक में जीती है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में 16 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 8 पर, एसपी 3 पर और अदर 5 ब्लॉक में जीती है। फरुखाबाद की ओर रुख करें तो यहां पर कुल 7 ब्लॉक है जिसमें से एसपी और अदर के खाते में एक एक ब्लॉक प्रमुख गया है, वहीं बीजेपी ने अपने 5 ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं। वहीं अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में कुल 7 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 6 पर, एसपी 1 में और अदर कांग्रेस और बीएसपी के खाते में यहाँ पर एक भी ब्लॉक नहीं गया है। हरदोई में कुल 19 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 17 जीत चुकी है, 19 में से 17 ब्लॉक बीजेपी के खाते में, एसपी और अदर के खाते में एक एक ब्लॉक गया है। महोबा की बात करें तो यहां पर 4 ब्लॉक है और चारों के चारों ब्लॉक बीजेपी के खाते में चले गए हैं। और इन सभी तमाम रिजल्ट से आप ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पंचायत यानी कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें कांटे की टक्कर अवश्य थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर के लेवल तक चुनाव पहुंचा वैसे ही सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी का परचम लहरता हुआ दिख रहा है। चित्रकूट की बात करें तो यहां पर कुल 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में से बीजेपी 5 जीत चुकी है, इसके अलावा किसी पार्टी ने कोई ब्लॉक नहीं जीता है। उरई की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 ब्लॉक है जिसमें से बीजेपी 6 पर और अदर 3 पर जीती है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के अंतर्गत 47 ब्लॉक आते हैं और इन 47 ब्लॉक में से बीजेपी ने 41 ब्लॉक पर बाजी मारी है, समाजवादी पार्टी ने 2 पर और अन्य ने 4 पर। इटावा की बात कर ले तो इटावा के अंतर्गत 8 ब्लॉक आते हैं, इसमें से बीजेपी 1 पर, एसपी 4 और अदर 3 पर जीती है। लखीमपुर खीरी में बात करें तो यहां पर 9 ब्लॉक है, इसमें से बीजेपी 6 पर, एसपी 3 पर जीती है। वाराणसी की बात कर ले तो वाराणसी के अंदर 8 ब्लॉक है और इन 8 में से 8 ब्लॉक जा चुके हैं भाजपा के खाते में। इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात की है, आपको बताया है कि कहां पर कौन जीता है। अगर आपको इसके अलावा अन्य जिले सा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, उसका भी परिणाम हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे वीडियो में जहाँ पर हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी खबरें, जानकारी भरे वीडियो जिसमें आप देखेंगे वही जानकारी जो कि आपको चाहिए होती है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।